हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स के बारे में, जिसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट कल है, 15 मार्च 2020। कल तक आप एडवांस टैक्स जमा करा दीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर हैवी इंटरेस्ट लगने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं एडवांस टैक्स के बारे में। अगर फिर भी आपके एडवांस टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस क्वेरी का रिप्लाई करने की। हाँ जी, अब देखते हैं एडवांस टैक्स क्या है। एडवांस टैक्स, एज द नेम सजेस्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स इन एडवांस। यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स इन द सेम ईयर इन विच यू अर्न दैट इनकम, और अदरवाइज यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स एज यू अर्न इनकम। नॉर्मली क्या होता है, हम एक साल में इनकम अर्न करते हैं और उसको असेसमेंट ईयर में पे ऑफ करते हैं, बट एडवांस टैक्स के केस में ऐसा नहीं है। एडवांस टैक्स का पेमेंट आपको उसी साल में करना पड़ेगा जिस साल में आपने इनकम अर्न की है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स इन एडवांस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एडवांस टैक्स एप्लीकेबल कब होगा। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपीज या उससे ज़्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आपकी इनकम सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, किसी से भी है, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन लग जाएंगे। यहाँ पे एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आती है इफ़ योर टैक्स लाइबिलिटी इन अ फाइनेंशियल ईयर इज 10,000 रुपीज और मोर। यहाँ पे एक कैटेगरी के असेसीज ऐसे हैं जिनको एडवांस टैक्स के प्रोविजन से बाहर रखा गया है, वो है सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर और जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है। दो कंडीशन जो असेसी सेटिस्फाई करते हैं, एक तो वो सीनियर सिटीजन है, दूसरी उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। उनके ऊपर 234(b) और (c) के जो पैनल इंटरेस्ट लगते हैं फॉर डिले और डेफरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। सीनियर सिटीजन एंड नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो ये कैटेगरी ऑफ असेसी एडवांस टैक्स के प्रोविजन से बाहर है। पे एक छोटी सी रिलैक्सेशन उन असेसीज को भी एडवांस टैक्स के प्रोविजन में दी गई है जो अपनी रिटर्न 44AD या फिर 44ADA के सेक्शंस को यूज़ करके फाइल करते हैं, मतलब जो प्रेजेंटिव सेक्शंस को यूज़ करते हैं अपनी इनकम डिक्लेयर करने के लिए अपनी ITR में, उनको 4 इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन और बिफोर 15th ऑफ मार्च। हाँ जी, एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, दैट इज़ 15th मार्च। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं बाय यूजिंग सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA। हाँ जी, आइए अब देखते हैं कि एडवांस टैक्स पेमेंट की वो 4 इंस्टॉलमेंट्स की डेट्स क्या हैं और आपको कितना कितना एडवांस टैक्स उन डेट्स तक पे कर देना है। सबसे पहली डेट आती है 15 जून, 15 जून तक आप 15% एडवांस टैक्स पे कर दें। अगली डेट आती है 15 सितंबर, उस डेट तक 45% एडवांस टैक्स पे कर दें। अगली डेट आती है 15 दिसंबर, उस डेट तक 75% एडवांस टैक्स पे कर दें। और लास्ट डेट आती है 15 मार्च, उस डेट तक आपको 100% एडवांस टैक्स पे ऑफ करना है। एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करते वक्त अगर आपके पास कोई TDS या TCS का क्रेडिट रखा है और आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, और एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करते वक्त इस TDS और TCS के क्रेडिट को आप लेस कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs के ऊपर भी एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं अगर उनकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है इंडिया में। हाँ जी, NRIs को भी एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी है। अगर NRI एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी 234(b) और (c) के पैनल इंटरेस्ट लगाए जाएंगे। हाँ जी, अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो यहाँ पे दो सेक्शन हैं इनकम टैक्स एक्ट के, दैट इज सेक्शन 234(b) एंड सेक्शन 234(c), जहाँ पे 1% ऑफ इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब है पर मंथ, मतलब इन एनुअल 12% आपको डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पर इंटरेस्ट पे करना है। सेक्शन 234(b) और 234(c) में आपको पैनल इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे फॉर डिले और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब आखिरी बात इस वीडियो में, आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना कैसे है, बहुत सिंपल है। ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं और ITNS 280 का एक चालान है, वहाँ पे रिलेवेंट असेसमेंट ईयर भर दें, एडवांस टैक्स की कैटेगरी भर लें, अपना पैन भर दें और नेट बैंकिंग के थ्रू आप बहुत ईजिली अपना एडवांस टैक्स पे ऑफ कर सकते हैं। तो ये था एडवांस टैक्स के बारे में सब कुछ इस वीडियो में। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर दें। क्यों? क्योंकि ये वीडियो टैक्स लॉस की नॉलेज इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो है।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून विद अस, बाय।